बहुत अच्छा हो जाएंगे। सीताराम जी, कहावत है, एक मसल किसी कवि ने कहा है, एक अंधे के आगे थाली धरा दो लाकर, एक अंधे के आगे थाली धरा दो लाकर, एक में हलवा एक में गोबर। किसी अंधे के आगे थाली धरा दो लाकर, एक में हलवा एक में गोबर, उस अंधे को खुशबू आई दोनों की बराबर, और खाना था हलवा खा गया गोबर। खाना था हलवा लेकिन खा गया वो गोबर। जवाब नहीं लेकिन जो आपने जहां से कथा छोड़ा वहीं से कथा मैंने उठाया, वो कह रहे जवाब नहीं दिया, आपकी कथा अधूरी थी। क्यों जालंधर वरदान मांग रहा था कि मुझे जहां जहां आपका स्थान हो, मेरा स्थान हो, मेरा दर्शन हो। मैंने बताया कि वृंदा ने क्या किया, अब उसने भगवान को श्राप दे दिया, वो पत्थर हो गए। कलजुग में आज पहल 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुराई चढ़ी, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए कवियों ने लिखा है कि हर सवाल का जवाब तेरे हम ललकारे चले गए, हर सवाल का जवाब तेरे हम ललकारे चले गए, जवाब देते रहे सदा हम थार तुम्हारे चले गए, जवाब देते रहे सदा हम थार तुम्हारे चले गए, जितने आए नहीं दुनिया में लग दिल प्यारे चले गए, प्राण का मुठी आया जहां में हाथ पसारे चले गए, सुधारे। मेरे कुंड कुछ गए कुछ सर्ग सुधारे चले गए, और फकीर साधु साहब बहादुर से हारे चले गए, साधु साहब मौत सहारे चले गए, अमर यहाँ पर कोई नहीं सम्मत सहारे चले गए, अमर यहाँ पर कोई नहीं सम्मत सहारे चले गए, तेरे घराने जवाब लेकर गुरु हमारे चले गए, तेरे घराने जवाब लेकर गुरु हमारे चले गए, दूध चावल पका लीजिए खीर उसी को कहते हैं। और एक निवासी अफसोस भाई जी के कदमों से ये कई रुपए का पुरस्कार है। मैं भाई जी का हार्दिक हार्दिक नमस्कार, और मैं भक्ति से भरे भंडार सुनहा तो उतर के भाग्य कमान कि दूध पका लीजिए और खीर उसी को कहते हैं, बिगड़ी बातें बन जावे तकदीर उसी को कहते हैं, कि दूध चावल पका लीजिए खीर उसी को कहते हैं, दूध चावल पका लीजिए खीर उसी को कहते हैं, बिगड़ी बातें बन जावे तकदीर उसी को कहते हैं, सभा के अंदर चमक जाए शमशीर उसी को कहते, ओ सभा के अंदर चमक जाए शमशीर उसी को कहते हैं, भीख मांग कर खावे तो फकीर उसी को, उसी को कहते हैं।
भला जब गाँव रहे कश्मीर उसी को कहते हैं खड़ा मंच पर मच्छर हम यही उसी को और कस्बे का पुरस्कार राम हरदार भाई साहब जैसे मधपुर जब कस्बे का देखे पुरस्कार बे भाजी का हार्दिक हार्दिक नमस्कार आज मैंने चार दिखाया कभी देखो लहरे के पानी बहुत अच्छा जवाब है लेकिन ठीक है नहीं जवाब तो अपना हिसाब तो कर लिया सीताराम जी आप लिखे कभी मैं क्या लिखा अरे जय बो सजनी की हाई रे जय बो सजनी तो एक दिन बन ठन के गवाना जय बो सजनी एक दिन बन ठन के गवाना जय बो सजनी नमस्कार और दोस्तों मजबूरियां तो हम लोगों को है आज मणिराम भैया करें क्या और सही रहेगा तो भास्कर भैया टैलेंट पर डालना नहीं बोलना मत डालना क्योंकि आप भी बहुत प्रयास किया हम लोगों को प्रोग्राम के लिए लेकिन सपना पूरा नहीं हो रहा है देखिए कब क्या लिखा है बाल मयाए समचार कहार गोल लहके बाल मयाए समचार कहार घर तक सब पहुंचा बल गई है घर तक सब पहुंचा बल गई है ऊपर गार यहां की चली है ये कौना वो चली है ये कौना बहाना जुबू सा चली चली है ये कहुना बहाना जरूर सा जनी एक दिन बन ठन के गवाना जरूर और क्या बेटा पुरस्कार जिन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया परमाणु हनुमान बाबा हाजी के कदमों से यह क्या बेटा पुरस्कार है वो हाजी का हार्दिक हाजी नमस्कार और मैं बहुत खुश लोग भाई भंडार तो चलो भाग क्या बात है बालपन नहीं हर महबीता अपने मन कई राग वो भैया अपने मन कई राग बालपन नहीं हर महबीता अपने मन कई राग कब जवान प्यार से देबो कब जवान प्यार से देबो परह चुनरिया दांत पूछ है तो हो रे ओ पूछ है तो हो रे जब हो सजानवा जंगू सा जली पूछ है तो हो रे जब हो
सखी सहेली करो भेंट लखवार, मिल मिलो सब सखी सहेली करो भेंट लखवार। यानी आज के युग में कोई भूखा नहीं मरता, इसी बहाने से हम लोगों को हिलन मिलन होता है कि चलो आज फला भैया के यहाँ कार्यक्रम है, तेरही है या बराह है या ब्याह है या शादी है, उसी बहाने से मुलाकात होती है। ये हम लोगों का हिलन मिलन है, मिलन बराह हो या हकीकत बात है बुद्धलाल, कि हिल मिलो सब सखी सहेली करो भेंट लखवार, करो भेंट लखवार रे सजनी करो भेंट लखवार। कभी नगर है पिया नगर की, कभी नगर है पिया नगर की, कभी घर है क्यों नगर बहुत कठिन है, वहां कोई शमशाती परिवार नहीं जाता है, जो जाएगा अकेला जाएगा, आया है अकेला और जाएगा अकेला। कठिन नगर है पिया नगर की, जाना है ससुराल की तनिका सोचो, तनिका सोचा है पले तनिका सोचा है अपने मानवा जई भूषा जली, हक गुलबान ठन के दरानवा जई। चलत की गोरिया गोरिया कर विचार, जलील कहे तो चलत की गोरिया गोरिया कर विचार, झुलमी छोड़ गई बालम, ये शरीर को कभी ने झुलमी बताया है तो झुलमी हो जाते है, झुलमी छोड़ गई बालम को जाना ही हो नहार की जाहो रक्षा राम दाना जय भूषा जली, जाओ रक्षा राम दाना जय भूषा जली, एक गुलबन ठन के दवाना जय भूषा जली, एक गुलबन ठन के दवाना जय। सुनो सुनाता हो तुमको थोड़ा परिचय के मौके से, सुनो सुनाता हो तुमको थोड़ा परिचय के मौके से, उसने तुम्हें पकड़ गया हो सस्पेंड के मौके से, उसने तुम्हें पकड़ गया हो सस्पेंड के मौके से, राम जनक दद्दू जी के कदमों से ये पैग बेग आशीर्वाद आए हो, हम आशीर्वाद की कामना जाते और भंड के बाद कि सोलो सुनाता हो थोड़ा तुमको परिचय के मौके से, और घूस लेत में पकड़ गया होगा सत्तर के मौके से, तुम्हें पकड़ गया होगा सिर्फ बल्टे मौके से, उसने तुम्हें पकड़ गया होगा सिर्फ बल्टे। और रामकिशन यादव जी लसी जेनापुर 11 बेटा देह पुरस्कार, बेहज का हार्दिक हार्दिक नमस्कार, और माँ भक्ति सुनो भय भंडार सुनो हाथ चरखे सीताराम जी सुनो, तुम घोष लेत में पकड़ गया हो सिंपल के मौके से, और हंस कर यादव चला रहे या जो कलम के मौके से, वो घोष लेत में पकड़ गया हो सिंपल के मौके, हंस कर यादव चला रहे आज कलम के मौके से, हंस कर यादव चला रहे आज कलम के मौके से, उल्टा सीधा करोगे ढीला हो या
ढीला पैंट मायके से, पांच जजो ने मिल करके लिख दी जजमेंट मायके से, पांच जजो ने मिल करके लिखा जजमेंट मौके से, रामलला से हट गया देखो अब टेंट, रामलला से हट गया देखो अब टेंट मौके, ओ रामलला से हट गया देखो अब टेंट मौके, ओ सुधा हरे हरे सरस्वती जी भ्या पर बैठो गहने बजरंग भगवानी, सरस्वती जी भ्या पर बैठो गहने बजरंग भगवानी, सही सही भाखो जी भ्या पर हाल नहीं हमर उजानी, सही सही भाखो जी भ्या पर हाल नहीं हमर उजानी, राजा ओ भी भीज रहे हैं यमपुरी अंदर दानी, दौतन के कारज के ताई और पर की हाज गानी, हार मास गौ वैचा दिल रह गई है ठगरी निशानी, सहे तीन वो बद्र बने हैं यक्ष यक्ष शंकर से तीन धनुष बना, उसमें से धनुष शंकर जी को मिल गया। देखियो उधर जन्म और उधर धनुष का जन्म क्या हो रहा है, क्या होगा, किस्सा है तीन बज्र बने है और एक से एक बलवानी, और धन होने से एक धन भाता है शंकर, और भोलापुर के निवासी रामचंद्र यादव जी के कदमों से ये 11 रुपए का पुरस्कार। बेहद जी का हार्दिक हार्दिक नमस्कार और मां भक्ति से दो भरे भंडार से यहाँ तो चल के भंड क्या बात है। उस धन है मैं से एक धन और पाए शंकर से लानी, वो किया तपस्या रावण से की खुशी भय संभव जानी, तपस्या रावण से की खुशी भय शंभु दानी, या तपस्या रावण से की खुशी भय शंभु दानी, बड़ी तपस्या रावण कीला खुशी भय से धन सुदे दीला, बड़ी तपस्या रावण कीला खुशी भय से धन सुदे दीला, ये कर धन रावण चले चले दीना, नंद राम का ज्ञान है पर दीना, काटे का ज्ञान जैसे चारे मशीना, काटे का ज्ञान जैसे चारे मशीना, आज जवाबी माया पसीना, आज जवाबी माया पसीना, तो पाई के धनोहा खुशी भाजसी कांगरू, धनोहा खुशी भादसी कांगर, लंकापुरी का सिधारे ओ कहा लंकापुरी का सिधारे, राम सुवच दऊ तई गजब हरि जाए, सुवच दऊ तई गजब हरि जाए, ही रावण करे अत्याचारे ओ कहा रावण करे अत्याचारे, राम जे पै धनोहा विजय हो रनम, रावण चला देवताओं में खबराहट मच गई, देवताओं ने कहा अरे धनुष लंका पहुंच गया तो इसे कोई विजय प्राप्त नहीं होगा, कि जे पाए धनोहा विजय हो या रंग, हे प्रभु कीजे विचार राम, दर्शन के कारज के कन्या प्रभु जी का बाबू हमर के तनु झाले, तनु धारे राम जाई कैया दवा भेजने दशु कंदर का श्री दशरथ के दुलारे, कहा श्री दशरथ के दुलारे राम, ऐसा माया बढ़ा दी प्रभु सर पर भी पतवा के, शर्माया बढ़ाए दी प्रभु सर्व दीपक महत्व
के डाले कहा सर पर दीपक वहा के डाले राम लगलो संताया हरि रावण के लगलो संताया हरि रावण के वह मन ही मन मधु चाले वह मन ही मन मधु चाले राम भगवान के बुद्धे का रूप धारण किया और रावण को रास्ते में मिल गए। ऐसी माया फैलाया कि रावण के लिए शंका लग गया। रावण ने कहा दादा धनी पकड़ लो, मैं लोशंका करके वापस आऊं क्योंकि उसे नहीं मालूम कि भगवान स्वयं एक बुद्धे के रूप धारण किए हैं। भगवान ने धनी पकड़ लिया, रावण लोशंका करने के लिए गया, इतना लोशंका हो एक नदी बह गई। भगवान ने मौका पाया, धनु को जमीन पर रखकर अपना गायब हो गया। इस गीत के बल खुश होकर के मित्र में परम मित्र और भारत में सबसे बड़ा चैनल चलाने वाले परम अयोध्या टैलेंट चलाने वाले भास्कर यादव जी 100 रुपए दे रहे पुरस्कार। भाजी का हार्दिक हार्दिक नमस्कार। उससे हम लोग सोचा था कि आज बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा लेकिन कुछ व्यवस्था की कमी से मजबूरी आ गई। हनुमान भाई साहब अब लोग करे क्या, ताकत तो लगाते हैं लेकिन जैसे कहावत है खोते कि भूसम लाठी, बस वैसे हो जात है। देखिए कमे ने क्या लिखा है कि बड़ी देर हो गई न उठ के नहीं आवा, बड़ी देर हो गई न उठ के नहीं आवा भाई जैसे बहाई नदिया नारे शंकर ही बंद हो गया। वापस आया देखा थोड़ी जमीन पर क्रोध तो बहुत बड़ा भयंकर हुआ लेकिन मुलजी भी गायब हो गया। तब लो शंका करके धनी है धनी है मारा वो जुआरू लगावा, धनी है मारा वो जुआरू लगावा, तीन भर धनुहा सगाना उठाई, तीन भर धनुहा सगाना उठाई, भागा राम लंका को खुशी से पसंद। और चलते चलते गीत मुझे याद आ गया, कवि ने लिखा है
सामने गाते हैं। भास्कर यादव जी ने सोचा कि हमारे यहां अभी बिरहा है, न हाथ में लेखनी रहेगी न सामने किताब रहेगी, यह अभी भाषा का परंपरा है, इसको ऊंचा करना है। इसलिए भास्कर यादव जी ने अयोध्या टैलेंट चलाना शुरू किया और बिरहे की मर्यादा बढ़ाया और बढ़ा रहे हैं। आप लोग जब अभी कीर्तन सुना होगा, बहुत बड़े बड़े कलाकार लेकिन उनके सामने कॉपी होती है, वो कभी पढ़ करके गाते हैं। और देखिए अभी भी रहा है कि इसमें कापी कलम घर पर रखी है, यहाँ कुछ नहीं है। इन्होंने सोचा कि जब हम लोगों का सुनते हैं तो कापी देखते सामने, जब हम लोगों का भी रहा है अभी भाषा अयोध्या टैलेंट सुनेंगे तो सोचेंगे कि यार उन लोगों में क्या खूबी है कि वो लोग किताब नहीं सामने रखते, सिर्फ ऐसे ही गाते हैं। इसलिए भास्कर यादव जी ने कदम उठाया और देखे मर्यादा बढ़ाया। देखे कभी क्या लिखा,
कि भारत की सतियों ने वरदान पाए, सती रती दुल्हा गोद मां खिलाए। रती अपने दूल्हे को गोद में खिला रही थी अपना जवान, और दूल्हा बाद में पैदा हुआ, गोद में खिला रही लाल प्यार दुलार कर रही। और जो क्यों पूछे कि काय खिलावत, तो सोचे अगर कभी हमारा लड़का है तो उल्टा पड़ रहा है, कहूं लड़का होगा पति। और जब सोचे कभी अगर हम पति बता दू तो संसार हंसेगा कि इतना बड़ा गदारा बताओ तुम्हार मरता है कि क्यों पूछत है तो नहीं से गिरत है के कन्हैया और 16 साल के राधिका के प्रेम प्रीत में पड़ती है बाधा, और छोट भर के किस्म थे और बड़ी उनसे राधा, गोदी भावर नहीं कह घोर में बाज पाई जनिया हो पाई जनिया हो पाई जनिया के गोदी भावर, और गोदी भावर नहीं कह घोर में बाज पाई जनिया लड़ता हूँ जहाँ पर मेरा